अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ तो फाइनली दोस्तों आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि 3 दिन कंप्लीट कर ली है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि आज इस फिल्म का 4th दिन है और जानेंगे दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ली और साथ ही साथ यह फिल्म अपने 4th दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी जिस मूवी को दिन पे दिन जो कि क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इस मूवी को लोग देखते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि 11 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को जो कि आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य जैसे एक्टर नजर आए हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद जो कि रिलीज हुई है सिनेमा घरों में। हालांकि आमिर खान जो कि 4 सालों में एक ही बार रिलीज करते हैं अपनी फिल्मों को, लेकिन इस बार जो कि बहुत ही लंबे समय हो गया क्योंकि कोविड था, इसके कारण यह फिल्म को पोस्टपोन भी करना पड़ा, इसे पहले ही रिलीज कर देते। लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बहुत ही ज्यादा बायकॉट भी किया गया और साथ ही साथ आमिर खान की फिल्म ना देखने की सलाह भी दी गई लोगों को। लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ली और दोस्तों वही दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि दिन पे दिन इस फिल्म की कमाई भी बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। हालांकि पहले दिन और दूसरे दिन में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि तीसरे दिन इस फिल्म ने जो कि उछाल मारा है कमाई में। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है लाल सिंह चड्ढा और वहीं दोस्तों ये फिल्म जो कि आमिर खान के प्रोडक्शन तले ही बनाई गई है। आमिर खान अपनी हर फिल्मों में जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं और कुछ नया यूनिक करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस उनकी फिल्मों को देख के बोर नहीं हो और ऑडियंस के पैसे खराब नहीं हो, और वो दोस्तों ये साबित कर देते हैं कि वो ऐसी मूवियाँ बनाते ही बनाते हैं, भले से बायकॉट करें लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन कॉन्टेंट आमिर खान बहुत ही अच्छा देते हैं और बहुत ही जोरदार देते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी ने जो कि अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ओपनिंग ली और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 14 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दोस्तों बात करें दूसरे दिन की तो दूसरे दिन भी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी ने 7.75 करोड़ का कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि तीसरे दिन इस फिल्म ने जो कि अच्छी खासी ओपनिंग ली और थोड़ी सी कमाई में बढ़ोतरी दिखाई और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि लाल सिंह चड्ढा मूवी को जो कि आज 4th दिन है बॉक्स ऑफिस पर और आज संडे होने के कारण यह फिल्म में जोरदार और धमाकेदार तरीके से जो कि कमाई में उछाल हो रहा है और कमाई भी यह जोरदार तरीके से कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि आज के दिन जो कि यह फिल्म सिनेमा घरों में कम से कम दोस्तों 25 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है तो आप लोगों को लाल सिंह चड्ढा मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारा और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।